भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रविवार को अपने करियर का आखिरी मैच खेला। सानिया के मैच के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह समेत कई हस्तियां स्टेडियम पहुंची। भारत की महान टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खुशी के आंसू के साथ रविवार को एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी शानदार यात्रा का समापन उसी स्थान से किया जहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सानिया ने हैदराबाद के लाल बहादुर टेनिस स्टेडियम में प्रदर्शनी मैचों में खेलकर अपने पथ प्रदर्शक सफर को आखिरकार अलविदा कह दिया, जहां उन्होंने करीब दो दशक पहले ऐतिहासिक WTA एकल खिताब के साथ बड़े मंच पर अपने आगमन के संकेत दे दिए थे। इन प्रदर्शनी मैचों में रोहन बोपन्ना, युवराज सिंह और उनके सबसे अच्छे मित्र बेधानी मार्टिक सेंट शामिल थीं। प्रदर्शनी मैचों को देखने पहुंचने वालों में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन सहित कई हस्तियां शामिल थीं। 36 वर्षीय सानिया लाल रंग की कार में स्टेडियम पहुंची और कई नामी गिरामी हस्तियों सहित दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। सानिया अपने विदाई भाषण में भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान देश के लिए 20 साल तक खेलना रहा है। सानिया ने यहां इस स्थल पर कई यादगार खिताब जीते हैं जिसे किसी उत्सव की तरह सजाया गया, जिस पर सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ सानिया मिर्जा जैसे बैनर लगे थे। कुछ प्रशंसकों ने प्ले कार्ड पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था, थैंक यू फॉर द मेमोरीज ऑफ और वी विल मिस यू सानिया लिखा था। दर्शकों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे और जैसे सानिया ने कोर्ट में कदम रखा वे चीयर करने लगे। मैच से पहले सानिया ने कहा, मैं आप सभी के सामने अपना अंतिम मैच खेलने के लिए काफी उत्साहित हूँ। पूर्व खेल मंत्री रिजिजू, तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव, अजरुद्दीन और युवराज स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में शामिल थे। रिजिजू ने कहा, मैं सानिया मिर्जा के विदाई मैच के लिए हैदराबाद आया हूँ। मैं यहाँ इतने सारे लोगों को देख कर खुश हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं खेल मंत्री था तो मैं उनके संपर्क में रहता था। मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सानिया के परिवार के सदस्य और दोस्त भी स्टेडियम में मौजूद थे। मैच के बाद रामा राव और तेलंगाना के खेल मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने सानिया को सम्मानित किया। सानिया ने उनकी यात्रा में उनका समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान 20 साल तक अपने देश के लिए खेलना रहा है। शीर्ष स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हर खिलाड़ी का सपना होता है। मैं ऐसा करने में सफल रही हूँ। दर्शकों की हौसला अफजाई को देखकर सानिया भावुक हो गई। उन्होंने कहा, ये खुशी के आंसू है। मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद और क्या कर सकती थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।